हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से, यानी कि कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाएं। जैसे सर्दियां ख़त्म हो रही हैं और आप अपने गर्म कपड़े जैसे कि रजाई, गद्दे, कंबल, स्वेटर, जैकेट और भी अन्य, यानी कि ग्लव्स वगैरह, जो भी इस सर्दी के गर्म कपड़े थे, आप उसको संभाल कर रखेंगे क्योंकि अब सर्दियां ख़त्म होने वाली हैं और गर्मियां आ जाएंगी, तो उसको बचा के आप रखेंगे अपने स्टोर में या अपनी अलमारी में या आप अपने पलंग के बक्से में या कोई और जगह पर, जिस जगह पर आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अगली सर्दी में वो काम आए और उस पर कोई कीड़े मकोड़े ना लगें। क्योंकि कि अगर आप अगली सर्दी में पहनेंगे और उस पर कीड़े मकोड़े लग जाए, यानी कि कीड़े मकोड़े उसको काट दें, तो आपको बहुत दुख होगा। तो उससे, यानी कि उनसे बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, जो कीड़े मकोड़े कपड़ों को कुतर देते हैं, यानी कि काट देते हैं या गला देते हैं, वो कीड़े मकोड़े इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले सिल्वर फिश, मोथ्स, एक अलग तरीके का कीड़ा होता है, कुछ वॉर्म होते हैं, और यहाँ तक कि चूहे भी उसे कुतर देते हैं, और कई बारी छछूंदर भी कपड़ों को नुकसान पहुंचा देती है। तो इन सब से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आप अगली सर्दियों में आप अपने उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे। और घरेलू उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा यूनिक यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारा यूनिक यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब हम आपको बताते हैं स्टोर, यानी कि कपड़ों को स्टोर में सुरक्षित रखने के लिए उपाय। पहला उपाय है कि आप अपने कपड़ों को अच्छी तरह से ड्राई क्लीन करके और सुखा कर, धूप में, कड़ी धूप में सुखा कर, अच्छी तरह से ड्राई क्लीन करके उन्हें तय करके रख दीजिए, और उसके बीच में नीम की पत्ते, जी हाँ दोस्तों, नीम की पत्तियां लें और उनके अंदर नीम की पत्तियां रख दें। हर तय पर चार पांच पत्तियां रख दें। इससे क्या होगा, नीम एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगेंगे और नीम की खुशबू बनी रहेगी, ताकि आपके कपड़े सुरक्षित रहें। और अब बताते हैं अगला उपाय है नेप्थलीन बॉल। जी हाँ दोस्तों, फिनाइल की गोली जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और सस्ती मिलती है, आप क्या करें कि जिस भी जगह पर आप रखें, जैसे अलमारी में रखें या पलंग के बक्से में रखें या गोदाम में रखें, जिस जगह पर आप कपड़े रखें, तो हर कपड़ों के साथ दो चार गोलियाँ रख दें और उस पलंग के अंदर या उस अलमारी के अंदर या उस स्टोर के अंदर हर महीने नेप्थलीन की गोलियां बदलते रहें पुरानी गोलियों से, क्योंकि नेप्थलीन की गोलियां एयर कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो धीरे धीरे डिसॉल्व, यानी कि ख़त्म होने लगती है, और नेप्थलीन की गोली कीड़े मकोड़ों को, यहाँ तक कि रैट को भी दूर रखेगी, छछूंदर को भी दूर रखेगी, और आपके जितने भी कपड़े हैं वो सारे सुरक्षित रहेंगे। तो ये आप उपाय अपनाएं और आपके कपड़े सारे सुरक्षित रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।